झांसी दिल्ली पुल के समीप नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार गांव पाली के तीन युवकों ने शराब पी, उसके बाद वह नहाने के लिए नहर में कूद गए। कुछ देर बाद तीनों युवकों में से दो युवक तो बाहर आ गए, मगर तीसरा युवक बाहर नहीं आया। काफी इंतजार के बाद उसके बाहर न आने पर उसके साथियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने गोताखोरों की टीम की मदद से कड़ी मशक्कत के पश्चात तीसरे युवक को नहर से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। सदर थाना के SHO पवित्र सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान 23 वर्षीय सुनील के रूप में की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में लाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर जी। सर ये कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है इसका? सर क्या क्या, क्या कैसे था? इसका सुनील नाम है जी, और सन्मो श्री ईश्वर सिंह वासी पाली, 23 साल का है ये लड़का। और ये तीन बंदे थे ये, और पीछे से कहीं इन्होंने शराब वराब पी का है, यहाँ नहाने के लिए उतरे थे। तो एक ये जो बंदा सुनील था ये इसी नहर में रह गया, बाकी दो लोग निकल आए थे। नशे में ज्यादा में था तभी रह गया, क्या कैसे? कितना तो नहीं पता कितनी पी हुई है इसने, पर ये बता रहे हैं इसके साथी भी शराब पिए हुए था। क्या नाम है सर आपका? मेरा पवित्र कुमार जी। देखिए सदर SHO सदर हाँसी बताया है, पवित्र कुमार जी ने बताया है कि ये पीछे खा पी कर आए थे, तीन जने थे पाली गांव के रहने वाले हैं, मगर ये दो जने बाहर निकल गए, तीसरा जना बीच में रह गया। काफी बाद में गोतेखोरों ने आखिर इसको निकाल लिया।